नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो वेल की तरफ से आया है। एक अप्रेंटिसशिप निकल के आया है, इसमें बीबीटेक डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। स्टाइपेंड 9000 पर मंथ मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया। कहीं से भी बिलोंग करते हो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सी पोस्ट निकल के आया है, कौन से डिसिप्लिन इसके लिए एलिजिबल है, एज लिमिट क्या रखा गया है, उसके बाद सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बाद लास्ट में वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि वेल हरिद्वार की तरफ से आया है। इसमें ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप नवंबर बैच के लिए निकल के आया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल्स पोस्ट की। तो फर्स्ट है मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल वालों के लिए, जिसमें ग्रेजुएट वालों के लिए टोटल 23 वैकेंसी है एंड डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 17 वैकेंसी निकल के आया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें ग्रेजुएट वालों के लिए 8 वैकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जिसमें ग्रेजुएट वालों के लिए 4 वैकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिसमें ग्रेजुएट वालों के लिए 1 वैकेंसी है, उसके अलावा डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है मॉडर्न ऑफिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों के लिए, जिसमें ग्रेजुएट होल्डर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है बट डिप्लोमा होल्डर के लिए 3 वैकेंसी निकल के आया है। टोटल मिला के ग्रेजुएट वालों के लिए 36 वैकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए 25 वैकेंसी है। टोटल 61 वैकेंसी निकल के आया है। नेक्स्ट बात करते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप लोग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उन लोगों के लिए, अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उन लोगों के लिए, अगर आप लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस ये सब में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग 2018 के बाद पास आउट हुए वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। जो लोग 2018 के पहले पास आउट हुए वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते इसका एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा SC/ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे SC/ST वालों के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हो तो उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो अगर आप लोग इसके पहले कुछ अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और उसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और उसके अलावा अगर आप लोग BE/BTECH या तो डिप्लोमा से हायर क्वालिफाइड हो तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सैलरी की। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 9000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 8000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके अलावा वोकेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए 7000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर की। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका हाई स्कूल और BE/BTECH या तो डिप्लोमा में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलवाया जाएगा। अगर आप लोग उस मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें BE/BTECH और डिप्लोमा की जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसको 70% वेटेज रखा गया है और आपका हाई स्कूल में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसको 30% वेटेज कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहाँ पे ऑनलाइन रखा गया है। फर्स्ट आपको MHRD नेट्स पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसी वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो हम इस वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ। एप्लीकेशन करने के बाद आपको उस ऑनलाइन फॉर्म को प्रिंट आउट करवाना है और प्रिंट आउट करने के बाद उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसका जेरोक्स कॉपी और उसके अलावा आपका जो BE/BTECH या तो डिप्लोमा कार्ड जो मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका फोटोकॉपी और उसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है उसका फोटोकॉपी, उसके साथ साथ SC/ST/OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और उसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब का सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उसके साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रिंट करवाना है जिस एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करने के बाद मिल जाएगी।
उसको आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करने के बाद वो एनवेलप और वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको इसी एड्रेस पे 18 सितंबर 2021 से पहले सेंड कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 28 अगस्त 2021 से। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 10 सितंबर 2021 तक। उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म को पोस्ट के थ्रू पे सेंड करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 18 सितंबर 2021। रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए डेट रखा गया है 24 नवंबर 2021। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 8 दिसंबर 2021 से लेके 14 2021 तक। तो ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। इसके बाद मैं वेबसाइट में जाता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो। बट इसमें अप्लाई करने से पहले आपको mhrdnats.gov.in इसी वेबसाइट पे आपको आना है। आने के बाद आपको एनरोल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आई एम ए स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका परमानेंट रेसिडेंट कौन सी स्टेट पे है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फॉर्म का डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो फोटो और सिग्नेचर का जो स्कैन कॉपी है वो आपको अपलोड करनी है। और उसके बाद आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके साथ साथ जो आपका रेज्यूम है वो भी इधर अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट्स का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पे एक 12 डिजिट का एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा जिस रजिस्ट्रेशन आईडी को लेके आपको इसी वेबसाइट पे आना है। आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट अगर आपका कॉलेज एमएचआरडी नेट्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो उसके लिए यस, अगर नहीं है तो उसके लिए नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका फैमिली में कोई भी वेल हरिद्वार में काम किया है तो उसका डिटेल्स आपको इधर फिल करनी है। और उसके अलावा अगर आप लोग उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप का टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे ग्रेजुएट वालों के लिए ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। उसके अलावा डिप्लोमा वालों के लिए टेक्नीशियन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन या तो डिप्लोमा का जो पासिंग ईयर और उसका जो रिलेटेड मंथ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम, कौन सी कैटेगरी का हो उसका डिटेल्स आपको फिलअप करना है। उसके बाद अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी या तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और उसके अलावा आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो हाई स्कूल का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करनी है। और उसके अलावा आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका फोन या तो ईमेल आईडी पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगी जिस एक्नॉलेजमेंट नंबर लेके आपको इसी फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको पुट करना है। और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको पुट करना है। पुट करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपको फिल करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद आपका जो नेट्स पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट करना है जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जो कैप्चा है वो आपको फिलअप करके सो एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। और उसके बाद आपको फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है वो और आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप का जो सॉफ्ट कॉपी है वो, ये दोनों चीज को आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करने के बाद आपका जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उस एनवेलप को आपको उसी एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। तो ये है इस वीडियो का डिटेल्स और नोटिफिकेशन का डिटेल्स। मैं नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसी जॉब नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। अगर आप लोग मेरा वीडियो लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए और लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।